तब हमारे घर के सामने हनुमान जयंती का प्रोसेशन चल रहा था, हमारे घर के ऊपर कच्चा पक्का झंडा लहरा था। जब क्या हुआ, पौना ऐसा आदमी आदमी है ना हनुमान जयंती के, उन्होंने अच्छा गए, पुलिस प्रोटेक्शन सब अच्छी थी। और हिस्से में क्या हुआ, एक गैर कुम का बच्चा क्या था, हिंदू छोकरा था ना, फुल माले सब डाला था ना, उन्हें घर के ऊपर हमारा झंडा देखकर क्या कराया, घर के ऊपर चढ़िया, घर के ऊपर चढ़ को, झंडे के खंबे के ऊपर फिर को, झंडा तोड़ को, नीचे वर गिरा को, वो पुलिस को होर उठा कर देखो, हम ना दिए बाद हमें बाहर जाने से, जरा छोटे मोटे वो कलीज वाले दिए जो गुजरात में हुआ था, वो भी तुम्हारा हो सकता है हिसाब हिसाब को, जरा बातचीत धमका को सर हमने बोले। हमें जब क्या करा इधर अंदर आने से, पुलिस क्या करना, पुलिस प्रोटेक्शन दिए, जब फुल हमारे घर के सामने जो क्या प्लास्टिक का ये था, पूरा प्लास्टिक का ये था ना, पूरा मुझ को हमने अंदर भेजे। जब वो छोकरे क्या करे, उन्होंने क्या क्या ये करना, प्रोसेशन ले को डरा को भेजे। उस वक्त पुलिस ने जो कंप्लेंट कराया था, शिकायत दर्ज कराया, केस दर्ज कराया, उन्होंने क्या बोले, उन्होंने किस तरह आपको उम्मीद दिलाई? नहीं, उन्होंने चाको हमने बहुत तसली दी, आओ हमें ही तुम्हारे साथ, इनो करेज गलती चु जैसा तुम्हारे घर में है, जैसा अभी एक बार नेक्स्ट अभी हो सकता है, हमें ही तुम्हारे साथ करो। बहुत पुलिस हमें प्रोटेक्शन दिए, उन्होंने बोलने से हमें जाको नेक्स्ट कंप्लेंट दिए। सो मैं तो कंप्लेंट देने भी तो मैंने गई थी, मुझे बहुत डर लगता था। बाद स्थान से हमारे शोहर ने उन्होंने जाको उन्होंने जा कंप्लेंट दिया, बाद मुझे अदमिया सब जर्रा हिम्मत दिया, बाद मैं बाहर निकली। से बहुत डर था मुझे। अच्छा, कैसा लगता है कि कितनी भीड़ थी, कितने हजारों में तैदा थी, कैसा था? हजारों में बल्ला के अदमियान थे, उन्होंने 4,000 तक अदमियान थे, उन्होंने हिस्सा जब भी प्रोसेशन गए थे, उन्होंने भी क्या पहले चुप बोला नहीं, उन्होंने क्या बोला, जो काम कोई वो काम करो, दूसरा नहीं बोलना, अगर बोलेगा इन्हों क्या करे बेफजूल के बता कर ले को, और हिस्से वाले वो काम करे, पौना हिस्सा वाले कौन भी कुछ क्या नहीं करे। ओके, एक और सवाल है, क्या लगता है आपको कि आपके शहर के रहने वाले ये कर को ही या किसी और कहीं और के रहने? शहर के करने वाले का, तब हमें आजू बाजू है सच, हमारे हिंदू हमारे हई सच, हमारी गली में 3 घर, हमारे हिंदू हमारे मुस्लिम्स कहीं सो पूरा हिंसा गैर को मार की बोला, हमें बहुत अच्छे ही भाईचारे की से, भाईचारे की सरकार अच्छे ही, हमें बहुत अच्छे भी ही माशाल्लाह, अच्छे ही बहुत, हम ना चाहती हूँ ना, नहीं तो हमें 3 साल रहने भी होता था नहीं है, कौन की दूसरे करी बगैर यहाँ वाले तो कौन भी नहीं करी वो काम। यहाँ वाले वो मसले को लेकर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बेफिक्र रहो, खौफ कौन हो तो भी ऐसा मच क्या भी ना, बाजू बाजू हमने हिम्मत दे रही, क्या भी नहीं छोड़ा, जल्ला ऐसा करे नेक्स्ट अच्छा करेंगे, अगर को बोल रही मगर दूसरा तो क्या भी नहीं बोल सक रही ना। तो आप क्या उम्मीद करती हैं कि भाई जो भी पुलिस है, जो भी महकमा है, उन्होंने तुम ना क्या इंसाफ देती है? तुम प्रोटेक्शन देती, हमें इंसाफ दिलाती, ना उम्मीद है? उम्मीद है। अच्छा, जो भी हमारे बड़े हैं, जैसे कि मुस्लिम रहनुमा हैं, जो भी सेकुलर पार्टी के रहनुमा हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनसे आप क्या बोलना चाहती हैं कहीं और जगह इस तरह के वाकयात नहीं होना? आज हमारे घर में ऐसा हुए, लेकिन दूसरे घर में है तो बहुत तकलीफ होती है, ऐसा चलते 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 रहा तो एक औरत जात को हो, नहीं तो मुसलमानों को रहने तो बहुत बेचैन होता है, इसलिए बहुत से बहुत मंजे भी घर में रहना बहुत डर रहा है कि बोला हमारा घर ऐसा है कि हमें घर की बहुत ही माहौल खराब है, अब हमें कमाई तो हमारी जिंदगी चल रही है, सो बैठे तक कुछ भी नहीं होता, बाहर जाना कमाना हमारी जिंदगी चलाना, हमें फोन भी हमें घर में काम भी कमाने भी जाको नहीं, मई तो अब निकली बाहर, मुझे बहुत डर हुआ। आज क्या क्या काम करते हैं? मैं अव्वल BGS में टीचर थी, अब घर में मुझे जरी तबीयत सब बिगड़ी, उसमें मेरी बच्ची छोटी आप है ना, पिछले कितने साल से यहाँ पर है? 5 साल से शादी होकर आए, शादी होकर आपका घर का मतलब आपके वालिदा का घर का चिनकुरली। ये जो हादसा चलिया, जब हमारे घर में मौजूद थे दो औरत, हम भी नहीं थे यहाँ, जो थे हमारे औरत और हमारे बड़े बहन, मैं कुछ काम से बाहर था। ये जो हादसा चलिया इसके बारे में काम भी अखबार आई नहीं, मुझे अचानक घर के पास आया जब ये हादसा चल के ये हो गया, तो इससे क्या एक गुजारिश करता हूँ का, तो ये जो ईद जो फेस्टिवल करते हैं, इसमें वो ईद करने का एक तौर तरीक़ा रहता है, वो तौर तरीक़े से इन आगे बढ़े तो कौन सा भी कौम का इतना बड़ा मसला होने का नहीं। ये क्या है, सोच समझ को जिंदगी करने का ये है आज का माहौल में, और इसमें ये सभी हादसे चलते रहा तो ये बहुत बड़ी ये हो जाए, जिंदगी तेज क्या करने के हिसाब से हो जाता है। उसमें क्या है कि तो कौन सा भी हो, हर कौम का हो, उनके दायरे में रखो, उनके लिमिट में रखो, उनके जो काम आ रहती हैं ईदा हो और एक हो कुछ भी हो कर सके तो आपस में ऐसा लड़ने का ऐसे क्रिएट होने का ये नहीं रहता सब। जो भी आप यहाँ पर जितने साल से हैं, क्या आसपास के जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ आपका रिश्ता, आपका जो है बर्ताव कैसा है?
माशाल्लाह साहब, ये जो सोशल मीडिया में इसमें हमें सभी देखते रहते ना, बाहर का माहौल तो इतना बिगड़ को है कुछ बोल सकते नहीं। यहाँ तो माशाल्लाह हमें हिंदू लोग, मुसलमान लोग, दलित लोग, ऐसा हमारे इसमें आपको जहन में नहीं है, तो बहुत अच्छा हमारी जिंदगी चल रही है। भाया भाया जैसा सुबह को उठे तो उनकी सूरत हमें देखना है, हमारी सूरत उन्हें देखना है। जिंदगी यहाँ सब बोलने का लफ्ज नहीं मिलते शायद बाहर वार का, कौन की अकेला आपको करिया करने से उसकी जिम्मेदारी जो लेको थे उनका हाथ बहुत बड़ा है। यहाँ ऐसे हादसे करके माहौल को खराब खराब करना जो ये ऑर्गेनाइज कर रही इन अब क्रेडिट तो लेती लेती हूँ। अच्छा हो गया तो क्रेडिट लेती, तो बुरा हुआ तो डेबिट भी ले सकती, लेना मेरा वादा है बोल रहा हूँ सो। और जान का माल का नुकसान तो बहुत हो गया है। अभी तो बरसात नहीं, माशाल्लाह बरसात के दिन होते तो हमारी जिंदगी बहुत तकलीफ में बीतने का था। रही बात क्या है का, तो जो आदिशा चलना था चलगा, और आइंदे को ऐसा नहीं हुआ शरीर का, कौन सा भी कौम हो, हमारा भी हो, मैं हमारा ये नहीं करता, हर कौम में हो ऐसे इंसिडेंट नहीं चलना। ओके जब आप जाकर जो है जो भी पुलिस हैं, एसपी हैं, आईजीपी, उनसे जो मुलाकात करें, उन्हें क्या आपको भरोसा दिलाए? नहीं यहाँ क्या है कर, तो यह हादसा चले के बाद हमारे कमिटी से मैं राय मशुरा लेके मैं आगे बढ़ना चाहता था जी। सर्कल इंस्पेक्टर जाको हमने हमें हैं बेफिक्र से रो करने के हिसाब से हमने हिम्मत दिए, हमें इसके बाद आगे बढ़े। तो क्या वाकई में आप FIR दर्ज कराए क्या? FIR हो गए, FIR हो गए। अच्छा, तो उसे अभी तक हिरासत में लिए नहीं? लिए नहीं, ले कोई साहब। वो FIR में भी क्या है का, तो एक 16 साल का छोकरा उसके ऊपर FIR करें, उसके ऊपर और दो तीन जने के ऊपर करें, फायदा नहीं। वो कौन की बाहर से आया, कौन की बाहर से आया कर दिया, क्या करने होता है, और एक बार देखेंगे इंशाल्लाह। यही सा ये जिम्मेदार न है, ये बेफजूल बात में इतने बड़े हादसे वक्त गुजर रही, जो ये ऑर्गेनाइज करया करे उनको एक ट्रीट करे तो और ऐसे हादसे नहीं चलते कर, मैं शायद समझ को। जब आप घर में नहीं थे, सारे जो है आपके बीवी आपकी बहन थी, आपको कैसा लगा, क्या था कि भाई इस तरह का माहौल, जब एक बड़ी भीड़ जो है रास्ते में आकर इस तरह नारेबाजी कर रही है, कैसा महसूस कर रहे? सब बहुत अफसोस की बात होगी, क्या है का, तो एक तो भाई का घर में थे, मैं बाहर था, अगर चमय रहता तो इंशाल्लाह ये करने का कोशिश करता। मेरे हिंदू भाई से मैं गुजारिश जो भी कि वो चढ़ने के टाइम में भी हमारे घर के औरत पूछ ली पर चढ़ना होना को, हमारी हालत बहुत ख़राब है, कवेलियाँ जो फूटने वाले हैं, बहुत तो पुराना घर है, अगर को बोल को भी बोल को तो वो भी केयर कराने से ऊपर चढ़ी, बहुत नुकसान भी होगा है जी। और जितने भी हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं, जो भी हमारे मुस्लिम खाइदीन हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह जो है हम सब एक होकर इन सब का सामना करें? वो बोलना चाहता हूँ क्या, तो ये इतने दिन कल तक जो हादसे चले इसे हमारे बड़े बुजुर्ग में जिम्मेदार होती मेरा बोलता पा, क्यों बोले तो एक दिन जो इंसिडेंट चलता है मैं हूँ बोल को आती, यह बहुत बड़े अफसोस की बात। ये जो चलिया चलने का अभी एक लफ्ज नहीं निकलना, यही हिसाब से बड़े बुजुर्ग का जिम्मेदारियां लिए तो हमारे देश में इतनी तकलीफ होने का। ये पिछले कितने साल से हैं आप, क्या आपकी पैदाइश यही की है? पैदाइश यही है, एज घर में पैदा, एज घर आपके वालिद साहब यही करने वाले जी। हाँ करते हैं सब, मैं ट्रक ड्राइवर कभी कभी रहता है कभी कभी नहीं, और हमारा तरकारी बिजनेस है वो भी आज देख रही तुम्हें क्या हिसाब से चल रहा है, रहा तो है नहीं तो नहीं करने के हिसाब से। उसमें भी ऐसे हादसे चले जब हमारे देश में कम हालातों की, तो बहुत तो मजबूर जिंदगी गुजारना पड़ रहा है।